श्रोतागण, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित होकर के 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के परस्पर विचार कर रहे थे, प्रभु कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, था इस दुख से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय पर व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक श्री सूत जी महाराज उस स्थान पर पधारे हुए। सूत जी महाराज को देखकर ऋषि लोग सब खड़े हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तत्पश्चात शिष्यों ने श्री सूत जी महाराज को उत्तम व पवित्र आसन देकर के यथोचित पूजन किया और सूत जी महाराज से बोले कि इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी भ्रम में पड़ता है तब उसको कोई सहारा देने वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के सहारे से ही हर व्यक्ति का कार्य सफल होता है। उसी प्रकार से कहे हैं कि राम के विरह में जिस प्रकार से महाराज भरत मगन रहते थे, उसी प्रकार से राम के विरह में हनुमान जी महाराज दिनरात उनके प्रति प्रयत्न करते रहते थे। तो सब लोग इकट्ठा हो करके और जब परस्पर विचार करने लगे, भ्रम मन के अंदर हुआ, तो सूत जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए अपने शिष्यों के साथ। सूत जी महाराज का जो है वहां पर बड़ा प्रादुर्भाव किया, वहां सादर प्रणाम करते हुए अपने से ऊंचा आसन दे करके उनको बिठाए और कहने लगे, महाराज कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी। इस कलयुग में नाना प्रकार के लोग पैदा होंगे, भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे, भगवान की भक्ति से परे हो जाएंगे, पढ़ लिख कर महान होंगे, विषैला भोजन करेंगे, इस मंदिर का खंडन करेंगे और मांग धतुर अफीम की नशा करके निरंतर बिना होश के रहेंगे। इस प्रकार के दृष्टि होंगे, बंधन पद धर धरण सिर विनय करो कर वरणव रघुबर विमल यश श्रुति सिद्धांत। कोई ऐसा उपाय बताए महाराज की जिससे जगत का कल्याण हो। तब वहां पर सूत जी महाराज ने कहा कि देखो महाराज, आप लोग तो ऋषि हैं, आप धन्य हैं, दुख बात कर रहे हैं, लोग अपने ज्ञान के विषय में बात करते हैं, इसलिए कोई भी भगवान का कार्य करने से पूर्व स्नान करना चाहिए, स्नान ध्यान जप तप करके फिर भगवान के सूत जी महाराज के सामने इकट्ठा हुए, क्योंकि भले भलाई पे लहा ही निचाई, भले के साथ भले रही, लेकिन अगर कोई बुरा हो तो हनुमान जी महाराज क्या काम करते थे। तो नीच के साथ में जब तक आप नीच नहीं बनेंगे तो तब तक उस समय उससे आप बात नहीं कर सकते। ये लिए एक ज्ञानी पुरुष के पास जाओगे तो वहां पर ज्ञान की प्राप्ति होगा, और एक मूर्ख के पास जाओगे तो वहां पर आपको क्या प्राप्त होगा। मूर्खता वाला विषय आपके सामने उठा उठा करके रखे। तो सबसे पहले स्नान करना है, स्नान ध्यान जब तब करके और भगवान के फिर सूत जी महाराज के सामने एकत्रित होकर के बैठे। महाराज जब सुनो, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप लोग हमारे समक्ष में बैठे हैं, उसी प्रकार से एक बार नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में नारद जी ने जिसको देखा उसको दुखी देखा, सुखी किसी को नहीं। आज यहाँ पर जितने हैं वह सब दुखी, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी। तो एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, यहाँ पर बताए कि एक साधना करनी चाहिए भैया। अगर बातों के तरफ ध्यान रखते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होगा, और नहीं तो जिस प्रकार से आपका सोच होगा वैसे ही आपका कार्य। पर कारज के हित तजे निज कारज जन सब। पर कार्य में अगर अपने द्वारा किसी का कार्य सिद्ध हो जाए तो उसमें हाथ लगा देना चाहिए। अपने में कोई साथी बने ना बने, राम जी महाराज किसी न किसी का रूप धारण करके वहां पर पहुंचे। जिस प्रकार से पेड़ फल नहीं खाते हैं और नदियां जल नहीं पीती, उसी प्रकार से हम आपको एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाना। मृत लोक में नारद जी महाराज ने
इस प्रकार के लोगों को देखा कि कोई तो तेली का बैल बना। तेली का बैल क्या काम करता है? सुबह से शाम तक खाली उसके पोलों में चलता रहता है। कुत्ता वो स्वान हिलावत पूछ रहे हो। आपने कुत्ता पाला और उसको डांट दिया, दूर चला। फिर आपने जरा सा इशारा किया, वो आपका मुंह चाट दिया। आपके पैरों को चूमने लगा। तो सबसे बढ़िया कौन है मनुष्य को? अगर हम आपको कोई डांटे तो क्या हम आप बर्दाश्त करेंगे? जल्दी तो बातें नहीं करेंगे, बाद में जो होगा सो देखा। कोई किसी से बात नहीं करना चाहे। यह लिए यहाँ पर बताए कि भैया नारद जी महाराज अपना बेड़ा करताल उठाए यहाँ के दुखों को देख करके और भगवान विष्णु के पास क्षीर सिंधु के लिए प्रस्थान किए। लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करते हुए नारद जी महाराज जब क्षीर सिंधु में पहुंचे, भगवान विष्णु से मिले और भगवान विष्णु को देखकर बड़े प्रसन्न। भगवान हर्ष के साथ उनको अपने गले से लगाए और अपने से ऊंचा आसन दे करके वहां पर नारद जी महाराज को बिठाए। पूछने लगे, नारद कैसे क्षीर सिंधु में आगमन हुआ? नारद जी महाराज बड़ा वर्णन कर रहे हैं कि दुष्टों के संहार करने वाले हे भव भयहारी भगवान, आपका न आदि है न मध्य है न अंत है। आप असुर के विनाशक हैं, धर्म के प्रकाशक हैं और ऐसे नाना प्रकार के वेदों का उच्चारण किए, जन के रंजन पाप के प्रभंजन, ऐसे सबको आप सुख देता है भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप नर नारी में कोई भेद लगा करके किसी को आशीर्वाद नहीं देते। जिस प्रकार से भगवान नर को आशीर्वाद देते हैं, वैसे नारी को भी आशीर्वाद देते हैं। भगवान के पास ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम खाली एक को आशीर्वाद दे दें दूसरे को छोड़ दें। वैकुंठ लोक में नारद जी महाराज से पूछे कि वह आगमन हुआ महाराज तो क्या बात है? नारद जी महाराज सारी कहानी बता रहे हैं और विकल हो जाते हैं, क्योंकि मांगने पर कुछ जब मिले या मिलना हो या उससे लेना है तो वहां पर कड़े खा बनकर तो ले नहीं पाओगे। ये कलिकाल कठिन मुर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, सब लोग पापी हैं और सबको धर्म काज में लगाना है, धर्म कार्य करवाना है। तो किस प्रकार से होगा? उसमें एक सानिध्य ब्राह्मण का लिया जाता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण को बताए, पूजनीय बताए। मम तुझ एक विशेष अंग है, भगवान ने ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना और नारद जी महाराज ने श्रेष्ठ ब्राह्मण को बताया। फिर कहने लगे कि महाराज एक उपाय है जो कि कलिकाल में चारों युगों दसों दिशाओं में उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं होगा। वो कहने लगे महाराज बताओ। कहने लगे महाराज चारों युगों दसों दिशाओं में नाम से बड़ा कुछ नहीं। हर व्यक्ति अपने नाम के लिए परेशान रहता है, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा कुछ होना चाहिए और नारद जी महाराज वहां पर पूछ रहे भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने वहां पर बताया कि नारद कलिकाल में नाम का प्रभाव रहेगा, जो कलयुग में कर माने हाथ होता है, हाथों के द्वारा जो कर्तव्य करेगा वही सुख करेगा और जो कर्मय नहीं करेगा बैठ रहा है अजगर ही पापी, अजगर के समान बैठे रहोगे तो फिर कहां से कल्याण होगा? ये लिए उन्होंने बताया
कि महाराज केले का फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा, ये तो सामग्री रहेगा। हमने कहा महाराज किस टाइम में करना है? जब कहने लगे कि सायंकाल दिन भर व्रत धारण करते हुए सायंकाल के समय भगवान का कथा होना। महाराज कथा किसके द्वारा किया जाए? कहने लगे ब्राह्मण को बोला, कहने लगे कि दिन भर व्रत धारण करे, सायंकाल के समय सारी सामग्री एकत्रित करके बंधु बांधवों को बुला करके और अपने सब परिवार को इकट्ठा करके तब बैठ करके सब लोगों को भगवान का पूजन करना चाहिए। महाराज सामग्री क्या क्या बताए? केले का फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा, ये विधि बताए। ब्राह्मण को बताए कि ब्राह्मण का, ब्राह्मण अर्थात पुस्तक का पूजन करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, उसके बाद पुनः अपने वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।